वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली हम ये बता चुके हैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एनर्जी पॉजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके के होते हैं, यानी कि काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेनली जो आपके सिलेबस में है वो काइनेटिक एनर्जी तीन तरीके से है। वो तीनों तरीका मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। एक तो है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मेनली आपके सिलेबस में जो है इन्हीं तीन तरीके की एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो हेडिंग लगा लो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, द मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक कार जा रही है। ये एक कार है, ये एक कार है, मान लो ये कार ऐसे जा रही है। और अगर ये ऐसे इस पाथ पर स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती रहे, इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाती रहे, ऐसे जाती रहे, ये कार ऐसे जाती रहे, कंटिन्यूसली ऐसे जा रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही है और स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे जा रही है। तो ऐसे पाथ पर जो कोई भी पार्टिकल मूव करे, जो स्ट्रेट लाइन में हो, जिसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो और ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहे, तो हम ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। और अब अगर बात आप कर रहे हैं कि इसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, तो इस कार के अंदर, इस पार्टिकल के अंदर, इस बॉडी के अंदर अब जो एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, ऐसी एनर्जी को ही हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। याद रखना, ये कार का केस है। मान लो कि आप ऐसे चल रहे हो, घूम रहे हो आराम से, ऐसे किसी रोड पर, हॉरिजॉन्टल रोड पर ऐसे घूम रहे हो आप, तो आपके मोशन की वजह, आपके इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। लेकिन आपके घूमने की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, या बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल आप क्या दोगे? तो एग्जांपल तो बहुत सारी चीज़ों को आप दे सकते हो। जो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है उसमें ड्यू टू द मोशन एनर्जी जो होगी वो आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। लेकिन याद रहे कि मोशन उसका कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। आप जिस कोई भी स्ट्रेट लाइन पाथ में हैं तो उसमें की एनर्जी को आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। तो आपको पहला हेड जो हमने एग्जांपल दिया, मूविंग कार ऑन द स्ट्रेट रोड, ये पहला एग्जांपल आप लिख सकते हो। बाकी दो तीन एग्जांपल आप बताइए क्या लिख सकते हो आप। स्ट्रेट रोड हो गया, ठीक है, या स्ट्रेट पाथ भी आप कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो, तो आप दे सकते हो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट पाथ, कुछ भी आप ऐसे दे सकते हो, या मोशन ऑफ साइकिल इन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ साइकिल भी बोल सकते हो, या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ये भी आपका एग्जांपल बन जाएगा।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो ये सब आपके एग्जांपल बनेंगे। लेकिन सेकंड हेडिंग आपने लिखा है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड क्या लिखा है आपने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो ये देख लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, कि अगर किसी बॉडी को, या इफ़ अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अगर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही हो तो मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, तो उसके इस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हो, आ स्पिनिंग टॉप, टॉप मतलब लट्टू होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो दूसरा एग्जांपल, आप अगर आप लट्टू नहीं भी देखे हो तो आप व्हील तो ज़रूर देखे होंगे, रोटेटिंग व्हील देखे होंगे या रोटेटिंग फैन तो ज़रूर देखे होंगे, ये तो बहुत अच्छे से देखे होंगे रोटेटिंग फैन। आप देखते हैं कि ऐसे होता है फैन और इस तरीके से उसकी ऐसे ब्लेड होती हैं, ऐसे दो तीन ब्लेड होती हैं, और घूम रहे होते हैं वो, क्या हो रहे, घूम क्या करते रहते हैं, ऐसे ये फैन घूम रहे होते हैं और एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं, एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फैन है ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसके इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और अब चूंकि ये रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन है ये, तो इसमें एनर्जी भी होगी, किसकी वजह से एनर्जी होगी, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, एनर्जी पॉजिटिव बाई द बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, एनर्जी पॉजिटिव बाई द बॉडी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यही होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कि इफ अ बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सिंपली इसी को रोटेटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, सिंपली इसी को रोटेटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या नाम, रोटेटिंग व्हील है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल है, तो आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो रोटेट कर रहा है ना न्यूक्लियस के चारों ओर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये आप बोल सकते हो ऑर्बिट, या मोशन ऑफ अर्थ बोल सकते हो आप, मोशन ऑफ अर्थ इन द ऑर्बिट, तो ये सब चीज़ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में मैं आपको बता दूं, मान लो आपके पास सितार, गिटार या वायलिन, कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको आपने कभी न कभी देखा ही ज़रूर होगा। तो मान लो एक स्ट्रिंग का कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, सितार हो या गिटार हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वायर होते हैं मेटल के, उन वायर को आप क्या करते हो, दोनों इंड पर क्लैंप्ड कर देते हो, एकदम फिक्स्ड कर देते हो, और बीच से जब आप उसको स्ट्रक करते हो या प्लग करते हो और खींच देते हो, तो वो वायर क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे और कुछ इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट होने लगता है,
या फिर आपने आप जो वायर बांध रखा है आपने जो ऐसे दो एंड पर, उसको आप जब जरा जोर से खींच कर ऐसे छोड़ते हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब काफ़ी तेज़ी से खींच कर छोड़ देते हो तो कुछ ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगता है। तो आप देखते हो कि अपने ये मेन पोजीशन से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, मेन पोजीशन से ये इधर या उधर वाइब्रेट कर रहा है, इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है। आप मेन पोजीशन से देख रहे हो ये इधर या उधर, इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है। ये तो जो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दो एंड के बीच में क्लैम्प्ड है ये और फिक्स्ड है, मतलब दो इससे ज़्यादा इधर नहीं मोशन है और इधर भी नहीं मोशन, इसी के बीच में ये अपनी मेन पोजीशन के हेयर एंड देयर मोशन कर रहा है। इस तरीके के मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। ये आपको और एक एग्जांपल इसमें दे दूँ कि जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत शौक में आप क्या करते हैं, गाड़ी के आगे यहाँ पर एक स्ट्रिप लगवा लेते हैं मेटल का, या बहुत से लोग क्या करते हैं, बुढ़ा बुढ़ी लगवा लेते हैं और उनके गले में स्प्रिंग होती है, तो उस स्ट्रिप को अगर आप ऐसे खींच कर छोड़ दें तो वो स्ट्रिप गाड़ी के आगे ऐसे इस सिचुएशन में ऐसे इधर या इधर वाइब्रेट करने लगता है। या बुढ़ा बुढ़ी जो लगे होते हैं उनके गले में स्प्रिंग होता है, उनके गले में स्प्रिंग होता है तो उनका सिर इधर हिला के छोड़ दो तो वो फिर इधर इधर ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। ऐसे ही मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी या हर आदमी कभी ना कभी ऐसे मोशन को देखता जरूर है कि एक मेटल की स्ट्रिप को कहीं एक एंड फिक्स कर दो और दूसरे एंड को आप ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दो, ऐसे ही सिचुएशन में तो ऐसे ये मोशन करने लगता है। ऐसे मोशन को ही हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। और वाइब्रेशनल मोशन के दौरान अब इसमें जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी ड्यू टू इट्स द वाइब्रेशनल मोशन। और ये एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है, इसलिए इसे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम। तो ऐसे एग्जांपल आप सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं वाइब्रेशनल मोशन के। जैसे आप क्या करते हो कि आपके घर में आप एक थाली लो और थाली को आप अपने घर पर ऐसे छोड़ दो फर्श पर, तो क्या होगा, वो गिरेगा और बहुत तेज़ी से आवाज़ करेगा, झन या टन ऐसे आवाज़ करता रहेगा। अब वो जो एनर्जी है ना, उसके एटॉमिक जो मॉलिक्यूल एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, वो अपनी ही जगह पर क्या हो रहे हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे हैं और जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी और ये वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आ रहा है, तो इसलिए इस मोशन को वाइब्रेशनल मोशन और इसकी वजह से एनर्जी को वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। और एक बात बता दें आपको, बहुत सारे एग्जांपल या बहुत सारी चीज़ों को आपने ऐसे देखा होगा कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीनों एनर्जी एक साथ साइमल्टेनियसली बॉडी में अकर हो सकते हैं, ये भी याद रखना। ये तीनों एनर्जियां एक साथ भी किसी बॉडी में आ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल क्या है, देखो एक कार है अपने पास, एक कार है। अब अगर ये कार चलेगी, ये कार चलेगी तो आप देखो चलेगी तो यहाँ ट्रांसलेशनल एनर्जी हुआ, क्योंकि मोशन में है ये, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी हुई, चल रही है ये, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है। और आप देखो ये चल रही है तो इसके मशीनरी पार्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट भी हो रहे हैं, इसके मशीनरी पार्ट क्या हो रहे हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट भी होते हैं, कार एकदम इधर उधर हिलता भी रहता है, मशीनरी पार्ट इधर उधर, इसके पिस्टन भी होते हैं तो पिस्टन भी अप एंड डाउन होते हैं, तो वो वाइब्रेशनल मोशन ही है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास, और इसके व्हील जो हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। तो याद रखें आप
कि किसी भी बॉडी में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सारी एनर्जियाँ साइमल्टेनियसली एक साथ हो सकती हैं। तो दिस इज द ओवरऑल रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और वो टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब का व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी प्रॉब्लम या अपना किसी भी प्रकार का जो सजेशन हो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन या किसी भी माध्यम से आप चाहेंगे उस माध्यम से आपका सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और धन्यवाद है। इस ये हमारे चैनल पर आकर आप वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे हमें इंडिकेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।